पास हो गया भाई। एनीवेज गाइस, सो हम दोनों अभी रेडी हो रहे हैं आज के ट्रिप के लिए, और आज का ट्रिप बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहेगा। ये है सिंधुआ डैम ट्रिप, जो कि मेरे लोकेशन बालेश्वर में है और बालेश्वर से 55 किलोमीटर दूर है, राइट। सो यहाँ से मैं रोड पे जब निकलूंगा तो फिर मुझे लग रहा है वहाँ का ना थोड़ा रोड खराब भी पड़ेगा और उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो बीच बीच में जहाँ पर भी रोड सही रहेगा तो उसके हिसाब से मैं शूटिंग कर लूंगा। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर, लेट्स गो। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work. अच्छा इस तरफ जा रखा क्या वो तो? अच्छा ये पहाड़ के तरफ से पानी ही आ रहा नहीं? हाँ। वो डैम से ही आ रहा होगा मुझे लग रहा है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं सिंधुआ डैम। यहाँ पे ना देख सकते हो डैम से पानी निकल के आ रहा है और ये नाली में होते हुए ऐसा कर करके यहाँ पे आकर ना अचानक गायब हो जा रहा पानी सारा का सारा, मतलब नीचे चला जा रहा। मैं भी पहले देख के कंफ्यूज हो गया कि नीचे की तरफ कहाँ जा रहा पानी, लेकिन असल में यहाँ पे वो नीचे जा रहा है और नीचे से होते हुए ना वो आगे जा करके यहाँ पे निकल रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया पहले देख करके। और देखो यहाँ पे सारा पानी यहाँ से निकल रहा, वहाँ पे अंदर गया और नीचे नीचे से होते हुए यहाँ पे निकला, और यहाँ से फिर गांव के तरफ जा रखा है ये पानी, और इसी पानी को ना गांव वाले भी यूज़ करते हैं। और इनको देखो जल्दी पड़ा है, इनको मतलब देखना है जल्द से जा करके वो डैम कैसा है क्या नहीं। हाँ आगे चले जाओ, खुद ही चले जाओ भाई। एक्साइटमेंट सबका है भाई। वैसे तो मुझे भी मन कर रहा है कि उसके ऊपर जल्दी जल्दी जाने के लिए ना, जल्द से जल्द ऊपर चलते हैं और देखते हैं डैम की। इंतजार मुझसे रहा नहीं जा रहा, देखना है कि नहीं? Yes. जल्दी देखना है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो जल्दी। चलो कौन जल्दी पहुंचता है देखते हैं ना। हाँ कैमरा तो खुद पकड़े नहीं हो ना भाई, मैं कैमरा भी पकड़ू बैग पकड़ू सारा पकड़ू और पकड़ के ऊपर तक जाऊँ है। चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, लेडीज फर्स्ट। और यहाँ पे देखो बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। ओ भाई साहब हल्का सा नज़ारा देखो है ना, आगे मैं दिखाता हूँ। कैसा लग रहा है चॉकलेट दे दियो फिर मुझे नहीं। चॉकलेट दो मुझे दे ना, वरना ये जो क्लिप्स में ले रखा हूँ ये तुम्हें नहीं दूंगा।
हाँ भाई, ये क्लिप ना बहुत ही कीमती है ना। नहीं, कम से कम 10 डेयरी मिल्क का चॉकलेट लूंगा, वो भी 150 रुपए वाला, उसके बाद जा करके दूंगा ये क्लिप। तो मैं चॉकलेट की दुकान ही खोल दूंगी। अच्छा, इनका कहना है कि उसके बाद इन्होंने चॉकलेट का दुकान ही खोलेंगे। फिर तो मुझे कहीं किसी और से लेना नहीं पड़ेगा ना, बस तुम्हारी दुकान मतलब मेरी दुकान, जब मर्जी करे खा लो खा लो। भाई साहब कसम से यार, इतनी बढ़िया जगह है ना, मैंने कसम से आज तक नहीं देखा था। बालाश्वर से सौरव आपका कितना हो गया, 30 किलोमीटर, और सौरव से यहाँ तक का 15 से 16 किलोमीटर एग्जैक्टली अगर मैं देखूँ तो फिर 16 किलोमीटर होगा, तो कुल मिला के कितना हो गया, 56 किलोमीटर गाइज। और यहाँ पे ना गाइज, आने के लिए आपका जो रोड रहेगा थोड़ा बहुत बीच में ख़राब पड़ेगा आपका, जैसे कि मैं बोला था, और उसके बाद फिर रास्ता ठीक ठाक था। और गाइज ये स्पेशली आपको ना जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर, इसी महीने अगर आप आ रहे हो तो फिर ये पानी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा ना, पानी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा वो वाली फील, है ना। अभी यहाँ से ना थोड़ा चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि पहाड़ की ऊपर की तरफ थोड़ा चलेंगे तो व्यू अच्छा आएगा और मज़ा भी आएगा। कितने फास्ट चल रहे हो यार, आदत है। हाँ चढ़ो जल्दी जल्दी। देखो मैं कैमरा पकड़ कर भी चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी है, क्या बात है। 2-4 दिन ऐसे पहाड़ चढ़ोगे ना, हार्ट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा भाई, किसी का अगर होगा तो। ये जगह वैसे सही लग रहा मुझे, हाँ यहाँ से व्यूज अच्छा आ सकता है। चलो चलो, कैसा फील हो रहा मैडम है? पूरा सुनसान सुनसान, शांत जगह है पूरा ना। कभी कोई कभी नहीं ना, है यहाँ पे, कोई नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। और कभी कभी ना ये टेक्नोलॉजी से आपको दूर रहना चाहिए, इस तरह का प्योर ऑक्सीजन लो एक दिन के लिए एटलीस्ट, और उसके बाद फिर जैसे वीकेंड खत्म काम पे लग जाना और क्या। इसीलिए घूमना घूमना बहुत जरूरी है भाई, माइंड फ्रेश रहता है और उसके साथ साथ स्ट्रेस रिलीफ हो जाती है भाई। चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये वैसे तो काफी ऊपर तक जा रखा है, जितना हो सके हम पे चलेंगे और क्या। नहीं ये लोग मतलब गांव के जो लोग हैं ना, हाँ नहीं मैं क्या कह रहा था, जैसे कि गांव के लोग ना ऊपर तक जाते हैं और हाँ ऊपर तक जाते हैं और पेड़ उनका कुछ काट कूट के वो ला करके कुकिंग वगैरह करते हैं। ये स्पाइडर ना शिकार कर लिया एक, इसने यहाँ पे मक्खी को शिकार करके रखा है और ये खुद ऊपर चढ़ गया है। भाई कितना खतरनाक स्पाइडर, देख रहे हो। उतरने के लिए ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, बस नाप नाप के चलो, नीचे पहुँचा देगा अपने आप। देख के आना स्लिप कर रहा, क्योंकि हाल फिलहाल ही बारिश हो रखा था यहाँ पे 2 दिन पहले, इसीलिए ना थोड़ा ये सीलन विलन टाइप का थोड़ा लगा हुआ है पत्थर में, और जिसके कारण स्लिप कर रहा। अभी गाइस ना हम लोग उस तरफ जा रहे हैं, हाँ ये आगे से जा करके वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। हाँ और ये पीछे की साइड आप देख लो, पीछे की साइड ये जंगल के ऊपर है पहाड़, और ये जंगल को जैसे ही क्रॉस करोगे तो पहाड़ आ जाएगा, और हम लोग वहाँ तक जा रहे थे फिर वापस आ गए, क्योंकि हम दोनों को बहुत प्यास लगा है और पानी बॉटल में आधा पानी ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आधा बचा है मतलब नीचे पहुंच जाना चाहिए। तरफ जो रोड जा रखा ना आगे तक, ये भी मतलब दूसरे पहाड़ की तरफ जा रखा है, और इधर मतलब शायद जंगल के अंदर ना जा रखा है ये,
हाँ, और मेरे पीछे के साइड ये रहा वो पहाड़, वहाँ तक जा रखे थे हम लोग, और वहाँ से नीचे आ गए, नीचे आ करके कहाँ तक, ऊपर ऊपर तक ना, हाँ, जो पेड़ नहीं दिख रहा आपको उस पेड़ के तरफ, हाँ सूखा पेड़, वो सूखा पेड़ की तरफ जा रखे थे, फिर वापस नीचे आ गए, वहाँ से नीचे आ गए हम। अगर वहाँ पहुँच जाते ना भाई तो फिर बन जाता आज वीडियो। और ये आगे की तरफ चल के मैं दिखा देता हूँ यहाँ तक, हाँ इस साइड का व्यूज मैं दिखा देता हूँ। कभी भी अगर आप कहीं दूर जा रहे हो ना, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जा रहे हो, तो फिर अक्सर क्या होता है, आपको प्यास ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ कुछ खाने को मन करता है, लेकिन इधर उधर का खाने से बेहतर है आप फल खाओ। और सेब तो बहुत बढ़िया है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए कहीं भी जा रहे हो तो फिर 4-5 एप्पल आप कैरी करके लेना ज़रूरी है, अगर आप राइडर हो या फिर ब्लॉगर हो या फिर टूरिस्ट। 4 एप्पल खा रखा हूँ अब तक, और तुम्हारा कितना रखा है? 3। इनका 3 एप्पल हो गया है भाई, और ये 4 चौथा है, ये चौथा, ये चौथा मतलब ये मेरा 5वां। वाह भाई, खा लो खा लो, है ना, चलो। और गाइस, दुनिया में ना कहीं सुकून है तो फिर यहाँ है। इस जगह पे ना मतलब कसम से मैं बता ही नहीं सकता, यहाँ पे देख सकते हो ये पानी की जो हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा, तरफ से ना पानी देखो ये आ रहा है, और ये मतलब वही डैम होते हुए आ रहा है, और यहाँ से आ करके आप देख सकते हो क्या ही व्यूज है। ये हो गया वो सिंधुआ डैम। तो गाइस, अभी लौटने का टाइम हो गया है और बाइक भी रेडी हो गया है, अब वे टू होम। सो आज की वीडियो कैसा लगा आप ये मुझे कमेंट, लाइक और शेयर करके बताना। सो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to